अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी लहंगे की कोटी कटिंग एंड स्टिचिंग। इसकी लंबाई है कोटी की 20, चेस्ट है 31, बाजू है 12 और बाजू की मोहरी है 10 इंची। अब हमने ये नेट को लिया है 1 मीटर और अस्तर लिया है आधा मीटर। सबसे पहले हम अस्तर को काटेंगे। अब जैसे हमारी लंबाई 20 है तो हमने अस्तर की लंबाई भी 20 ली है। नेट की लंबाई हम ज़्यादा लेंगे। अब चेस्ट 31 चेस्ट है हमारी, तो हम यहाँ पर 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच सिलाई के लिए अलग से लेंगे। सबसे पहले हम पीछे का पल्ला निकालेंगे। अब हम यहाँ से इसको डबल करेंगे। अब यहाँ से हम इसके शोल्डर लेंगे 6 इंच के, आरोमल वो भी 6 इंच के। इसको पहले हमें चौकुटा, इस पे पहले हमें चौकुटा निशान लगाना है, उसके बाद यहाँ से गोलाई का शेप। पहले हम यहाँ पे आरूमल की कटिंग करेंगे। अब जैसे हमारी चेस्ट है 31, तो हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा लेंगे फिटिंग का। उसके बाद 1-1 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए अलग से लेंगे कपड़ा, और उसमें हम यहाँ पे कमर की साइड में गोलाई का शेप देंगे। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की, गले की लंबाई 3 इंच की, और इसको हमें चौकुटा निशान, उसके बाद गोलाई का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे अस्तर की। इसी के बराबर हमें आगे का पल्लर काटना है। हमारा यहाँ पे बंद वाला साइड है और यहाँ पे खुला वाला साइड है, तो यहाँ पे हम पीछे के पल्लर से आगे के पल्लर को 1 इंच ज्यादा लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब 1 इंच हमारी चौड़ाई यहाँ पे ज्यादा है। अब इसी के बराबर हमें आरूमल की कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़े को ज्यादा लिया। अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई की कटिंग करेंगे, तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है, गले की लंबाई 4 इंच की, और इसको हमें चौकुटा निशान लगा, उसके बाद गोलाई का शेप। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच आरूमल ज्यादा काटेंगे आगे वाले की। अब यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएं। जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरीके से हमने शेप दिया है। यहाँ से हमने 6 इंच की चौड़ाई ली है, यहाँ से हमने 6 इंच की चौड़ाई ली है, और इसको हम यहाँ से अलग करेंगे। अभी हमारे गले की कटिंग। अब इसको पहले हम नेट को काटेंगे, उसके बाद हम इसको काटेंगे। अभी हमारा यहाँ से बंद है। अभी बंद वाली साइड पे, अभी बंद वाली साइड पे हम पीछे का पल्ला रखेंगे, और यहाँ से लंबाई में नेट हम 1 इंच ज्यादा लेंगे। अब हमें लंबाई में 1 इंच नेट को ज्यादा लेना है। अब पहले हम गले की कटिंग करेंगे। अब ये हमारा आगे का पल्लर है।
अब इसको भी हमें लंबाई में नेट को 1 इंच ज्यादा लेना और इसको यहाँ से बीच में से कटिंग, अब यहाँ से भी इसकी कटिंग, इसको हमने चौड़ाई में 1 इंच ज्यादा लिया है पीछे के पल्लर से। अब यहाँ पे हम पाइप लगाएंगे और इसको जोड़ेंगे। अब ये हो गया हमारा आगे का, अब हमें बाजू निकालनी है। अब यहाँ से हमें बाजू की लंबाई 12 इंच की रखनी है। अब हमने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई 13 इंच की है और चौड़ाई है 15 इंच। कपड़े को हम डबल करेंगे। अब हम यहाँ पे कटिंग का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, आगे हम 2 इंच। जैसे हमने यहाँ पे 3 इंच लिया है तो हम यहाँ पे 3 इंच इस तरीके से तिरछा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे और इसको भी हमें तिरछा करना है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच, अब इसको भी हमें तिरछा करना है इस तरीके से। अब ये सिंपल तरीका है बाजू काटने का। 1/2 इंच हम यहाँ पे मोरी पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे बीच में हम इलास्टिक लगाएंगे और बाजू को डिजाइनर बनाएंगे। ये हो गई हमारे लहंगे की कोटी की कटिंग और इसकी स्टिचिंग। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, हमारी स्टिचिंग आप जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।